नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। सीएम नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मुलाकात को लेकर के कई मायने निकाले जा रहे थे, इस पर शिक्षा मंत्री ने चुप्पी तोड़ी है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने मीडियाकर्मी से बातचीत के दौरान में क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं, हमारे साथ मुख्यमंत्री जी भी थे, हम भी थे। शिक्षा विभाग के बारे में या जो शिक्षा के कार्यक्रम चल रहे हैं उसके संबंध में बातें हुई। हमने बिहार सरकार की तरफ से और शिक्षा विभाग की तरफ से उनको बताया, जो खास तौर से जो SSA है, समग्र शिक्षा योजना है या अभियान है, उसमें जो शिक्षकों की संख्या या शिक्षकों का मानदेय, इसके संबंध में जो केंद्र सरकार नीति उसने अभी बनाई है वो बिहार जैसे प्रदेश के हित में नहीं है। हमने उनसे कहा है कि शिक्षकों की संख्या भी हमें हमारी बढ़नी चाहिए, जो वो मानदेय के लिए जो वो एडमिसिबिलिटी का क्राइटेरिया रखे हैं। दूसरी बात कि उनकी संख्या के साथ उनके जो केंद्रांश आता है उनके सैलरी में, उसमें भी बढ़ोतरी होनी चाहिए। नहीं तो धीरे धीरे केंद्रांश घटता जा रहा है, राज्यांश बढ़ता जा रहा है और बिहार जैसे सीमित संसाधन वाले प्रदेश और दूसरी तरफ अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश के लिए ये बहुत ही एक वित्तीय दबाव का विषय बन जाता है। फिर भी बिहार सरकार लगातार अपने सीमित वित्तीय संसाधनों से भी हमने अपने शिक्षा व्यवस्था को लगातार निरंतर अच्छे से इसका संपादन किया है। वो हमने कहा है कि आप शिक्षकों की अधिक संख्या भी बढ़ाइए, उनका जो मानदेय है उसमें भी बढ़ोतरी कीजिए और तीसरी बात है कि जो देना है वो समय पे दे दीजिए। एक दूसरी बात केंद्रीय विद्यालय के संबंध में भी थी, जो केंद्रीय विद्यालय के लिए भी हमने कहा है कि आपने जो उसके मापदंड अभी तक निर्धारित किए हैं वो बिहार जैसे अधिकतम जनसंख्या के घनत्व वाले प्रदेश के लिए उपयोगी नहीं है। यहाँ पे सबसे दुर्लभ चीज़ कुछ दिन में जमीन भूमि ही हो जाएगी, इतना ज़्यादा दबाव है जनसंख्या का यहाँ की जमीन पर। तो हमने कहा है कि बिहार में केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना हो या इसकी पहल हो, इसके लिए आप जो मानक या मापदंड हैं उसको थोड़ा रिलैक्स करें। बिहार जैसे प्रदेश के लिए जो गरीब है, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है और जनसंख्या का सबसे अधिक दबाव है, तो जब तक आप कुछ विशेष सहूलियत नहीं दीजिएगा, अपने नियमों को रिलैक्स नहीं करिएगा, तब तक बिहार लाभान्वित नहीं हो पाएगा। और हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि जिन बातों की चर्चा या जिन मुद्दों को हमने उनके सामने रखा उन्होंने उसके बारे में अनुकूल विचार करने का भरोसा दिलाया है, ये प्रसन्नता की बात। अब बताइए कि मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल या यहाँ मंत्रिमंडल की चर्चा शिक्षा मंत्री से होगी कि शिक्षा मंत्री से, तो शिक्षा की बात होगी मुख्यमंत्री साहब। अब उनसे क्या बात किए, वो न वो बताए न मुख्यमंत्री हमको बताए। संसदीय कार्य मंत्री को तो जब वो बात प्रकट हो जाती है तब समझ में आती है। क्लास है ना, स्मार्ट क्लास है, स्मार्ट क्लासेस में वहाँ पे उसको कनेक्ट किया जाए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी, जिन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि शिक्षा नीति पर विशेष चर्चा हुई है धर्मेंद्र प्रधान से, साथ ही साथ केंद्रीय विद्यालय की स्थापना को लेकर के हुई है, उसके मापदंडों पर चर्चा हुई है। उन्होंने ये भी कहा है कि राज्यांश को केंद्र से समय पर देने की भी जो है उनसे आग्रह की गई है। उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि इन सब बातों को मैं जो है वो केंद्र तक जरूर पहुँचाऊंगा, साथ ही साथ उनसे जो है शिक्षा नीति पर विशेष बात हुई है। मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर के उन्होंने कहा है कि इस पर विशेष जानकारी जो है सीएम नीतीश कुमार ही दे सकते हैं, इसकी जानकारी हमें नहीं है, इसके राजनीति मायने न निकाला जाए इसका। बस इतना ही, बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, धन्यवाद।